नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। टीकमगढ़, विगत दिनों लमेरा में हुई मारपीट करने थाने में गए लोगों को जाति सूचक गालियां देकर भगाने और रिपोर्ट नहीं लिखने का मामला अभी लोग भूले ही नहीं थे कि ऐसा ही एक दूसरा मामला देवरदा चौकी का सामने मीडिया के आया है, जब डारगुआ निवासी छिद्दू अहिरवार तनय गणपत अहिरवार अपने साथ मारपीट करने वाले रोहित पारिछत रमुआ सहित आधा दर्जन लोगों ने मिलकर मारपीट कर दी, जिसकी रिपोर्ट लिखाने छिद्दू अहिरवार देवरदा चौकी गया तो उसकी देवरदा चौकी में रिपोर्ट तो नहीं लिखी गई, उल्टा उसे ही और गंदी गंदी गालियां मिली, उसे ही थाने में बंद करने की धमकी ज़रूर मिली। शुक्रवार को छिद्दू अपनी पत्नी के साथ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने टीकमगढ़ आया। पुलिस अधीक्षक से मुलाकात नहीं होने पर शिकायत पेटी में अपने दास्तान लिखकर मारपीट करने वालों पर मारपीट करने का मामला दर्ज की मांग कर रोते बिलखते पति पत्नी अपने घर चले गए। दारगुआ से है साहब, दारगुआ कितने है? जो है बल्लोगढ़ से 15 किलोमीटर आगे है साहब। कौन सी चौकी लगा? देवरदा साहब। क्या हुआ साहब? ये गोरेलाल छिदामी हमारे घर में पेड़ के मारपीट करते हैं, फसल उजाड़ते हैं और सब कुछ गाली गलौज देते हैं। घर में से चैत में गल्ला उठा लिया था, चौकी गए थे तो रिपोर्ट नहीं लगी थी साहब। हमारी चौकी रिपोर्ट ही नहीं, नहीं लगी थी साहब। कागज दाओ तो लिख के सोच इंक्वायरी तक नहीं करी थी। फिर से दोबारा गए थे सो फिर रिपोर्ट नहीं लगी थी ना, फिर इंक्वायरी नहीं करी थी साहब। जब गए थे हम चैत के महीना में साहब, लॉकडाउन एक महीना लग गई के बाद। अच्छा, फिर से दोबारा चौकी गए तो दरोगा जी बोले गले सारे हरो तुम यहाँ आ जाते हो, गाली गलोच दे के गले हट रहे यहाँ से के बंद कर दो चौकी के, देवरदा चौकी। हाँ साहब, तो उनने अब फिर हमारे लड़का को कल हमारी बहू को बत्ती ने मारा है, नल पे पानी भरने के लिए गई तो मारपीट करके उसकी बाल्टी आल्टी फेंक दी और बारी आरी तोड़ के घर मकान में तोड़ फोड़ करके, और बच्चे को एक मंजिला लड़का है उसको बोलता है कि जी मेरी लड़की को छेड़छाड़ कर रहा था, वो हताहत मौका पे था ही नहीं साहब। अच्छा, और बस झूठ फंसा रहे हैं, झूठ फंसावे के बाद में साहब फिर उनकी रिपोर्ट चौकी वाले हमने ले ली तो कल हमको पकड़ने पहुंच गए तत्काल। अच्छा, नहीं साहब हमने बात करी तो दरोगा जी कहते हैं साले तुम ज़्यादा बोलता है, चलो उठा बंद करो। नहीं जाना दरोगा जी को? नाम नहीं जाना साहब। कहाँ जाना तुम? हम कछु जानते ही नहीं है साहब, कछु नहीं जाना। अब हम जो चाहू साहब का भी लोग माँ है पीटे ना हमारे जन गृहस्थी उठा रही जो कच्ची से बाना कह रहे हैं। अब हम सहयोग नहीं कर रही तुम्हारा? नहीं कर रही साहब, दो बार तीन बार जो है पावती नहीं, हम साहब पावती दिखा सका तो अकेले कागज दे दी। तो तुमने 3 बार गए तो 1 बार लिया था पावती, कुछ कर रहा भाई हमारी आज तक होता गई नहीं है साहब। कल हमको उनकी रिपोर्ट करने पर पकड़ने पहुँचे थे हमको, जी हैरानी साहब। हम और रात में ढूंढ पेड़ था पूरी फसल हो जा रही बाई पटाखे, अरे हमने कही थी साहब हमारी बाई पटा रही ना, हमने देख ली जा कत्ते नहीं नहीं यहीं से बता तू तो ना देखी थी ना कुछ नहीं गई थी साहब। अब क्या करें हम साहब, आप कहाँ पर आए देने आवेदन? अब हम यहाँ आए साहब के आदमी कुछ सरपंच वगैरह लोग बोले कर ले ऊपर जाओ तुम लोग बिला साल से है। हाँ साहब, ये तो टीकमगढ़ का सुनाई हो जाए तो ऐसे फिर रहे साहब, अब नहीं हो सुनाई तो मारने तो उनको है ही है, मारने की कह रहे थे कि साले कहाँ जा रहा तू, चौकी जा रहा, चौकी जाते थे तो कल रहना था चौकी तो रास्ता छेंक कहते थे लोग पूरे तो ना हो कहीं घूम करके साहब। कितने लोग छेंक थे रास्ता? मुझे 4-5 लोग थे साहब, छिदामी था, बती था, रोहत था, मायाराम था और कृष्णे था और जे ऐसे लोग थे साहब, और जगत राजपूत गवाही है साहब और एक सेन गवाही है मुकेश हमारी तरफ से और कल्लू असार्टी गवाही है साहब, जो काफ़ी लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं साहब और नुनिया गवाही है साहब। खबर समय जगत के लिए टीकमगढ़ से परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।